हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं और तक्स हम जा रहे हैं भाई कामनाथ। मतलब हम सिर्फ कामनाथ ही नहीं, आज का हमारा टूर रहेगा मांगरोल से लेकर कामनाथ तक का जो भी सफ़र है। रास्ते में क्या कहां कहां पर पानी भरा पड़ा हुआ है वो सब चीज़ें हम इस ब्लॉग में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए दोस्तों, चल निकलते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पानी है, यहाँ पर एक गड्ढों में भरा पड़ा हुआ है बस, और तो कहीं पे हमें पानी नहीं दिख रहा है। वैसे हम जब आए थे तो यहाँ पर पूरा पानी से भरा पड़ा हुआ था। वो जो मांगरोल हुआ पानी पानी ब्लॉग है ना, वो आप मेरा देख सकते हैं गाइस। तो इसमें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी पानी भरा पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। वहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको छोटा सा वो पानी दिखाया था, मैं अभी फिर से दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि अभी कितना वहाँ पर पानी है पहले के मुकाबले। तो गाइस देखिए, अभी तो यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है भाई। बाकी हम जब आए थे तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा पड़ा हुआ था, और देखिए यहीं पर यहीं से पानी शुरू हो जाता था, और देखिए वो पूरा आधा आधा ही दिख रहा था वो स्टैंड। तो यहाँ पर ये जो स्टैंड है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा आधा दिख रहा था। अभी यहाँ पर इतना सा पानी रहा है बस। अभी हम चलते हैं आगे। तो आगे कैसा पानी हमें देखने को मिलता है, देखते हैं। तो गाइस देखिए, अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो रास्ते में नहीं है। अभी रास्ता देखिए आप, रास्ता एकदम खाली है रास्ता, लेकिन रास्ते में भाई बहुत ज़्यादा पानी भरा पड़ा हुआ था। अभी वो सारा पानी इधर आ गया है, देख सकते हैं आप, सारा का सारा पानी। देखिए वो बेचारों की क्या हालत हुई होगी, पूरा घर डूब रहा है देखो उनका। तो भाई उसके तो घर में से सारा सामान तैर के चला गया होगा कहीं पर भाई बहाव में आकर। अभी देखो यहाँ पर पूरे रास्ते में इस तरह से पानी बिखरा हुआ है। बाकी रास्ता तो पूरा साफ है, लेकिन यहाँ पर देखिए कपड़े वगैरह सूख रहे हैं यहाँ के लोगों के, लेकिन इनका जो सामान है ना, वो देखिए सामान का देखो क्या हाल हुआ है। ये देखिए उनका सामान, उनका घर भी बहुत ज़्यादा अंदर चला गया है। देखो भाई उनका तो बहुत नुकसान हो गया है, देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनका। अभी रास्ते पे तो इतना ज़्यादा नहीं भरा पड़ा हुआ है, रास्ता तो एकदम साफ है, यहाँ पर थोड़ा सा भरा पड़ा हुआ है बस। और बाकी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पानी भरा पड़ा हुआ है, बाकी दोस्त लोग अपनी मस्ती में भरे पड़े हुए हैं। और देख सकते हैं गाइस यहाँ पर, ये देखो। तो गाइस देखिए आप, यहाँ पर मैं हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं, बाइक वहाँ पर हमने स्टॉप की है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेड़ ना पूरा गिर चुका है। देखिए बहुत लंबा पेड़ था भाई, तो पूरा गिर चुका है, बरगद का पेड़ है ये, इतना विशाल बरगद का पेड़। उसमें से एक डाली यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं हम, ट्रक भी फंस चुका होगा, ये तो हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। ये देखिए खंभा भी टूट चुका है, ट्रक के टायर के निशान यहाँ पर हैं, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। ये हुआ इसलिए होगा कि भाई रास्ते का तो पता नहीं चलता ना, पानी यहाँ पर इतना ज़्यादा फैला हुआ होगा कि रास्ते का पता नहीं होगा, ये पानी इधर अभी चला गया है। बाकी ट्रक के टायर देखिए, ये सीधा भाई ये तो बहाव में ही चला गया है पूरा। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं। तो गाइस अभी बारिश शुरू हो गई, और इस बारिश में हम कामनाथ नहीं जा सकते, तो हमने सोचा है कि भाई थोड़ी देर के लिए हम स्टॉप लेते हैं, वहाँ पर एक दुकान है तो वहाँ पर हम चलते हैं अभी। तो गाइस अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर में ये बारिश सहेगी जाएगी, ये समीप पे दस रही है बाइक को, तो इसे थोड़ा सा सावधानी से रखना पड़ेगा पहले तो। सो गाइस अभी बाहर तो बारिश शुरू हो गई है, अब देख सकते हैं वहाँ पर भी देखिए बूंदों गिर रही है बारिश की। और ये देखिए यहाँ पर भी एक बड़ा सा बरगद का पेड़ गिर चुका है। तो गाइस बारिश की बूंदें थोड़ी थोड़ी अभी चालू है, लेकिन फिर भी हम निकलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए ये गाइस, यहाँ पर भी पेड़ गिरे पड़े हुए हैं भाई, पीपल का पेड़ है ये तो, नहीं पीपल का नहीं, ये भी बरगद का है, ये भी गिर चुका है। देखो बहुत ज्यादा गिरा हुआ पेड़ है, देखो भाई चारों ओर पेड़ गिर चुके हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पर भी गिर चुके हैं।
तो गाइस अभी यहाँ पर हम रुके हुए हैं और ये देखिए ये जो पेड़ पौधे भाई कितना बज बहुत ज़्यादा बहुत मस्त कलर में दिख रहा है भाई, एकदम पॉपअप कलर में दिख रहा है। देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा ग्रीन कलर यहाँ पर उभर के आ रहा है और यहाँ पर बीच में ये जो पानी है भाई कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है गाइस। तो हम तो यहाँ पर थोड़ी देर ये नज़ारा देखने के लिए रुके हुए हैं और साथ में जो छींटे आ रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सूख भी जाएंगे पेड़। ये इतना बड़ा पेड़ है तो इतने बड़े पेड़ के नीचे यहाँ पर रहेंगे हम थोड़ी देर के लिए। तो अभी देखिए गाइस यहाँ पर ये पानी के साथ ये जो पेड़ है ना, देखिए कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। गाइस अभी बारिश ने अपनी दिशा बदल दी है, गिर रही है बारिश है यहाँ पर, लेकिन क्या है पहले ना इधर से आ रही थी अभी इधर से आ रही है। तो अभी हम तो निकलते हैं कामनाथ की ओर उधर। यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी भरा पड़ा हुआ है, चलिए इसमें थोड़ी बाइक राइडिंग करते हैं। भाई उभरा हुआ है यहाँ पर बहुत ज्यादा, एकदम चारों ओर हरा भरा हो गया है। गाइस बारिश तो अभी चालू है और हम पहुंच चुके हैं कामनाथ और देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर अपनी बाइक पार्क करी हुई है और वहाँ पर देखिए ये रास्ता यहाँ पर बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन जब भाई बारिश हो रही थी ना तब लगातार यहाँ इससे पानी बहुत ज़्यादा जा रहा था और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई जब एक फुट से ज़्यादा पानी हो तब यहाँ से निकलना नहीं है। तो अभी एक फुट से ज़्यादा पानी हो गया था भाई यहाँ पर। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया है इस तरह से कुछ और आप देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा हम आगे चल के देखते हैं भाई, ये देखिए हम यहाँ पर आगे आ गए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी वहर के साथ अभी नदी जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पर ये जो बहाव जा रहा है नदी का, अभी तो इतना ज़्यादा बहाव तेज़ नहीं है लेकिन अभी जब बारिश हुई थी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव था। तो अभी देखिए और वहां पर है हनुमान जी का मंदिर। अभी हम भाग के जा रहे हैं भाई वहां पर, क्योंकि वहां पर ना बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि वहां पर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई। कुछ और ही वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है, शायद लगता है कि वहां पर भाई रास्ता ना टूट चुका है। चलिए देखते हैं वहां पर क्या देखने को मिलता है, वहां पर भी रास्ता बने वहां और उस तरफ से भी, क्योंकि वो जूथल जाने वाला रास्ता है जहां पर पानी बहुत ज्यादा तेज जा रहा है। ये देखिए तक तो मुझसे भी ज्यादा तेज दौड़ने में है। अभी देखिए मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ओर, बाकी हम यहाँ पर देख कर अभी अंदाजा लगा सकते हैं भाई यहाँ पर तो जाना ही नहीं चाहिए 100% की बात है भाई, सही लगा है बोर्ड। ये देखिए ये पानी यहाँ से जो जा रहा है भाई बहुत हाई फाई वहाव में जा रहा है, ये देखो गाइस बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया गया है और ये पानी यहाँ से रास्ते से कैसे जा रहा है देखिए। तो यहाँ पर ये जो रास्ता है टूट, ये देखिए यहाँ पर रास्ता कहाँ तक का रास्ता है हमें पता ही नहीं चल रहा है। ये देखिए शायद यही तो बॉर्डर होगी रास्ते की, लेकिन इस पानी के वहाँ में ना कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है भाई।
ये देखिए यहाँ पर तो गहरी खाई है, हमें पता ही है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए पूरी नदी जो नोली नदी है ये जा रही है कामनाथ की ओर। सो गाइस अभी फिलहाल हम जा रहे हैं कामनाथ मंदिर की ओर। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं कामनाथ के अंदर जो कुंड है वहां पर। तो गाइस यहां पर तो भाई बहुत ज्यादा बहाव है, हम जो पहली बार आए थे ना तो उससे भी ज्यादा बहाव यहां पर अभी चालू है। ये देखो ये तो पूरा नीचे झुक चुका है और यहां पर हम देखे तो ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। पहले हम वहां पर गए थे गाइस, वहाँ तक गए थे पहले हम, लेकिन अब वहाँ पर नहीं जा सकते भाई। यहाँ यहीं से पानी शुरू हो गया है, देखो बहुत ज़्यादा बहाव चल रहा है यहाँ पर, तेज़ बहाव है बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं दूर दूर से पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए दूर दूर से पानी आ रहा है गाइस, ये मैंने जूम करके दिखाया हुआ है भाई, कितना तेज़ आ रहा है बा पानी देखो, और कितनी तेज़ी से जा भी रहा है। और देखो गाइस भाई हम वहाँ पर गए थे, अभी तो वहाँ पर हम बिल्कुल नहीं जा सकते, अभी यहीं से हम ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा तेज है पानी का बहाव, इसमें भी हम नहीं जा सकते क्योंकि भाई बहुत ज्यादा तेज बहाव है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे, थोड़ी सी ट्राई करेंगे, बस ज्यादा नहीं थोड़ी सी। ये देखिए बहाव, देखिए इसका बहाव काफी तेज है गाइस, बहाव काफी तेज है। बस अब ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए हमें क्योंकि यहाँ पर भाई फिसलन इतनी ज्यादा तेज है ना भाई, बहुत ज्यादा फिसलन है, चाहे आप कितना भी ध्यान रखें आपका पैर फिसल ही जाएगा और आप पानी के बहाव में बह जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर अब आगे जाने वाले नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहीं से हम देख सकते हैं भाई ये पानी कितना ज्यादा तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है गाइस, बहुत तेजी से भाई। गाइस देखिए फिर भी हम थोड़ी सी हिम्मत करके यहाँ पर आ चुके हैं, इतना ज़्यादा हम आ चुके हैं, और तक्ष को भी मैंने भाई साथ में पकड़ा रखा है, अरे भाई ये पकड़ना है। तो अभी चलते हैं हम, जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी वहाँ पर भी है बहुत कुछ है। चलिए अभी यहाँ पर फिसलन तो है लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी वो कर रहे हैं भाई, डेयरिंग दिखा रहे हैं। देखिए अभी हमें ना वहाँ पर जाना है, वहाँ पर चलते हैं भाई, ये पानी तो वैसे बहुत तेज़ है लेकिन यहाँ पर देखिए फिसलन भी बहुत ज्यादा है। ये जो पेड़ देख रहे हैं ना भाई पीपल का, यहाँ तक पानी आ चुका है, देखिए आप बहुत ज्यादा पानी आ चुका है वहां पर। तो देखिए भाई कितना मतलब तेजी से आ रहा है, तेजी से जा रहा है, और यहाँ पर हमें आराम से जाना है। ये देखिए फिसलन बहुत है, आराम से पेड़ रखना है भाई, आराम से, जैसे यहाँ पर दरबार भगवान की मूर्त वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें आराम से जाना है और यहाँ पर चढ़ जाते हैं भाई ताकि हम थोड़े से सेफ रहे। अभी देखो गाइस हम थोड़ी सी सेफ जगह पे आ गए हैं, लेकिन इसे सेफ जगह हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरार पड़ी हुई है, ये भी कभी भी टूट सकता है गाइस पानी की बहाव की वजह से। बाकी आप यहाँ पर पानी जो जा रहा है ना उसे देख सकते हैं, बहुत तेज़ी से पानी जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी हम उधर नहीं जाने वाले हैं क्योंकि वहां पर भी बहुत कुछ हमें दिखाने था, लेकिन हम वहां पर नहीं जा रहे हैं भाई क्योंकि यहां पर पानी का बहाव अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम वहां पर गए हो गया कि भाई बहुत ज्यादा पूर यहां पर आ गया तो हमारी वाट लग जाएगी। तो हम यहीं से अभी निकलने वाले क्या, हम निकल ही रहे हैं गाइस भाई, लेकिन आराम से भाई, तक्ष का पहले हाथ पकड़ना होगा। क्या कर रहे तू,
ये जो ये देखो पीपल के लिप की देखो पीपुड़ी बनाकर पू पू कर रहा है, ये टाइम है कोई, चल चल। गाइस बहुत ज्यादा एडवेंचर वाला ब्लॉग बनाया आज तो हमारा। ये देखो आराम से हमें जाना है भाई, यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी अभी चल रहा है। चलो अभी हम अपनी सेफ जगह पे आ गए हैं, लेकिन हम तब तक सेफ नहीं है जब तक हम ऊपर तक पहुंच नहीं जाते। तो चलो भाई आराम से, यहाँ पर भी वैसे फिसला नहीं है। तो गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं भाई, और एकदम से ऊपर पहुंच जाए उसी बाद उसके बाद ही हम खुद को सेफ समझेंगे, और सबसे ज़्यादा सेफ तो हम तभी महसूस करेंगे जब हम अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी हम घर नहीं जाने वाले, अभी हम जाने वाले कामनाथ मंदिर के अंदर, तो देखते हैं वहाँ पर कैसा माहौल है। चलिए गाइस, सो हमारी बाइक तो यहाँ पर खड़ी हुई है और हम आगे चुके हैं यहाँ से एकदम ऊपर, अभी जा रहे हैं हम मंदिर के अंदर। तो गाइस ये मंदिर तो भाई पूरा भरा पड़ा हुआ था, पानी से एकदम से भरा पड़ा हुआ था। अभी देखते हैं यहाँ पर हमें कितना पानी देखने को मिलता है, हालांकि अभी तो इतना ज़्यादा पानी नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अभी उतर चुका है, लेकिन अभी देखते हैं अभी हमें कितना पानी देखने को मिलता है। गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, यहाँ से ये सीढ़ियाँ है जिसमें बहुत ज़्यादा फिसलन है भाई, जरा सी ध्यान हटा सो दुर्घटना घट गई भाई। और वाव यहाँ पर हमें ज़रा भी पानी अभी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा ये जो पानी था गाइस कहाँ तक का था मैं आपको बता दूँ। गाइस अभी मंदिर में ताले हैं हमारे अवला डबा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, और ये देखिए हमारे कमर तक का यहाँ पर पानी भरा पड़ा हुआ था गाइस, हमारे कमर तक यहाँ पर पानी भरा हुआ था, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। आ जाओ भाई पब्लिक को थोड़ा दर्शन करवा देते हैं, ये है नंदी महाराज और आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर कामनाथ महादेव के लिए शिवलिंग है। तो अभी तो लोग है यहाँ पर, दरवाज़ा वगैरह तो वैसे तो यहाँ पर दरवाज़ा बंद है, यहाँ पर भी दरवाज़ा बंद है, सो हम अंदर जा नहीं सकते। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर नज़ारा कैसा है, और ये है कामनाथ मंदिर का वो रास्ता है जो कंड की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा पड़ा हुआ है, तो ये पानी भी अंदर आ रहा था यहाँ से, ये पूरा अंदर आ रहा था, तभी तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कमर तक का पानी था गाइस। अभी देखिए ये जो पानी है पूरा अंदर आ रहा था, सो अभी इतना ज़्यादा पानी अभी नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये पानी पूरा बाहर चला गया है। और आप देख सकते हैं ये सब कुछ एकदम क्लीन हो चुका है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर है हनुमान जी की मूर्त, गणेश जी की मूर्त। बाकी आप देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी भर चुका था, सो गाइस बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था, अभी तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर से यहाँ पर पानी आ जाएगा। और भाई हमने जो शिवलिंग दिखाई ना महादेव की, आपको कामनाथ महादेव की जो शिवलिंग बताई, वहाँ वो अंदर अंदर तक पानी चला गया था, और वहाँ पर भी अंदर शिवलिंग से भी ऊपर पानी हो गया था भाई, बहुत ज़्यादा अंदर वो हमने देखा था वीडियो, उस वक्त हम यहाँ पर नहीं आ पाए क्योंकि भाई बारिश बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर भाई आना भी अलाउड नहीं था, रास्ता बंद कर दिया गया था यहाँ पर आने के लिए क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी, अगर हम आते तो भाई बाइक के साथ कहीं नदी के बहाव में फ्र हो जाते। अभी हम ऊपर चलते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है भाई, इससे पहले कि हम बीच जाए हमें जल्दी से घर पहुंचना होगा, लेकिन अभी भाई गणेश मंदिर तो बाकी है तो चलिए वहाँ पर भी चलते हैं। तो गाइस अभी जल्दी से भाई गणेश मंदिर की ओर चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं गणेश मंदिर के अंदर, चलो हाँ। तो गाइस गाइस यहाँ तो बंद है अभी, मतलब हम अंदर नहीं जा सकते, इसे हम अंदर नहीं जा सकते भाई, चलो कोई बात नहीं, अभी यहीं से हम इस नज़ारे का लुत्फ़ ले लेते हैं। आइए यहाँ पर आइए भाई,
बस ये नदी यहाँ से जा रही है, हम तो गणेश मंदिर से आए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा था जो कि वैसे भी आपने देख रहा होगा, लेकिन चलिए अभी हम चलते हैं अभी घर की ओर। भाई वैसे भी बारिश हो रही है तो जल्दी से हमें घर जाना चाहिए। गणेश भगवान को यहाँ बाहर से ही हम प्रणाम कर देते हैं, अभी चलते हैं डायरेक्ट घर। हाँ, दर्शन कर लेते उसके बाद घर निकलते हैं। आइए जल्दी 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 जल्दी। अच्छा हुआ चाचा ने दरवाजा खोल दिया, मतलब भगवान गणेश जी हमसे प्रसन्न है भाई। अच्छा हुआ तुम कड़ी बारिश में हमारे हमसे मिलने आए, हमें अच्छा लगा। चलिए अच्छा है भाई, हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। चलिए जल्दी से दर्शन कर लेते हैं भाई, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी गाइस, आपने देखा भाई कामनाथ में यहाँ पर एक ब्यूटीफुल नजारा। अभी हम सीधा भाई जा रहे हैं घर, ठीक है चलिए चलते हैं। अभी जल्दी से निकलते हैं भाई, बैठ 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 बैठ, जल्दी बैठ जल्दी बैठ। टेम्पल कैसे भूल सकते हैं भाई, हमें हनुमान जी के टेम्पल में भी जाना है तो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर रास्ता बहुत पथरीला है सो हमें जान से चलना चाहिए, वरना भाई पैर में मोच आ गई ना तो लग गई वाट, हनुमान जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें जल्दी से भाई आराम से चलना है। वैसे यहाँ पर फिसलन भरा रास्ता है, गड्ढे हो गए हैं चारों ओर, बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये रास्ता है अच्छा है, वैसे चलने लायक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। आइए कभी यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ये जो पेड़ों के बीच में ये जो रास्ता बना हुआ है बहुत ही अच्छा खासा और ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, मज़ा आ रहा है देखने में। यहाँ पर ये देखो पानी की ये जो लहर जा रही है भाई, कितनी अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है गाइस, देखो कितना मस्त लग रहा है। देखो छोटा सा ब्रिज कह सकते हैं हम इसे, एक छोटा ब्रिज कह सकते हैं, देखो छोटा ब्रिज है भाई, छोटा ब्रिज। ए भाई ये उल्टी खोपड़ी होकर चल जाना मत जाना। हाँ, ठीक है चलिए अभी अभी चले जल्दी से दर्शन कर लेते हैं भाई, बारिश बढ़ रही है और हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। तो गाइस यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा उसका प्रतांगण है, ताला है। और जल्दी से, अरे ताला हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें बाहर से हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अभी देखते हैं यहाँ पर वैसे पूजा करने के लिए हवन कुंड रखा हुआ है भाई, दौड़ते दौड़ते सब कुछ करना पड़ा है क्योंकि बारिश बहुत तेज है। और हम ये देखिए अभी फिसल जाता, आराम से चलना है। ओ बाप रे देखो कितनी फिसलन है गाइस, बहुत ज़्यादा फिसलन है, आराम से, हाँ तेल जैसी फिसलन है यहाँ पर, आराम से आराम से। और ये देखो हम पहुँच चुके हैं हनुमान जी के यहाँ पर, और हमें अभी हनुमान जी के दर्शन करने हैं। सो गाइस हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन हमें इस फिसलन भरे रास्ते में बहुत आराम से चलना है, अगर फिसले तो भाई हमारा सर जा सकता है, खून निकल सकता है, इसलिए हम अभी जल्दी से, अभी तो हम अच्छे वाले रास्ते पे आ गए लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान से ही हमें चलना है। और अभी भाई निकलते हैं हम घर की ओर, पहले तो हम अपनी बाइक तक पहुँचेंगे उसके बाद हम घर तक पहुँचेंगे। बाकी आप देख सकते हैं पानी चारों ओर यहाँ पर फैला हुआ है, पर यहाँ पर ये ब्रिज के ऊपर से पानी कुछ इस तरह से जा रहा है। तो गाइस जल्दी से पहुंचते हैं अपनी बाइक की ओर, फिर निकलते हैं घर की ओर। भाई जल्दी चल, ये देखिए पानी बढ़ चुका है यहाँ पर भाई, चारों ओर पानी बढ़ चुका है, जल्दी से हमें निकलना चाहिए वरना रास्ता बंद हो जाएगा भाई। ऐसे रास्ता बंद नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हो भी गई ना तो रास्ता बंद हो भी सकता है, तो हम जल्दी से निकलते हैं अभी। ये देखिए वहाँ पर हमारी बाइक रखी हुई है, हो सो फाइनली हम अपनी बाइक तक पहुँच चुके हैं, अभी भाई जल्दी से हम घर निकलते हैं।
हम अभी घर पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं इतना सा भीगा हुआ हूं मैं। और हमारा टोमू देखो यहाँ पर हमारा स्वागत करने के लिए यही पर खड़ा हुआ। टोमू क्या कर रहा है, तो गाइस अभी शाम हो गई तो थोड़ी देर में माता की आरती शुरू होगी। इसकी सजावट के लिए यहाँ पर पापा, अभी देखिए ये माता का जो व्हीकल होता है कैमल, तो वही बना रहे फूलों से, देख सकते हैं आप। देखिए एकदम मस्त तरीके से डिजाइन किया गया है कैमल। अभी उसकी पूंछ बाकी है तो पूंछ भी लगा देंगे, पहले इसमें थोड़ी सी जो भी सजावट होती है वो कर लेंगे। तो गाइस अभी देखिए माता की जो कमील है एकदम से तैयार हो चुकी है।